जो डिग्री लेके भड़क रहे हैं उनको रोजगार तत्काल मिले, नौकरी तत्काल मिले, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सर जिस तरह से जो है बीजेपी सरकार ने कहा था कि नौकरियां हम दर दर बांटेंगे, दर दर फेंकेंगे, फेंकना बांटना दूर हो गया, मगर जनता जो है उस चीजों को लेकर तराई तराई हो गई और बहुत ऐसे लोगों ने जो है आत्मदाह कर ली डिग्रियों को लेकर के। लखनऊ तक के ऐसे कुछ मामले सामने अभी भी आए हैं जिनमें नौकरियां नहीं मिली, उसके बाद उनके पास एक ही चेहरा बचा, अपनी जिंदगी को खत्म करना। ऐसे कैसे देखते हैं, और जब आपकी सरकार आएगी तो किस तरह से इन लोगों को वेरीफाई कर पाएंगे? भाजपा सरकार 5 साल झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं है। और जितने विकास कार्य 2017 में हुए, 17 से पहले हुए, उसी के ऊपर उन्होंने अपना पत्थर और फीता काटने का काम किया। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि आप लोग सच दिखाइए, गंगा मैया में लाशें जिस तरह से बहाई गई, बिना सीजन के लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए, बच्चे चले गए, मां चली गई, बहन चली गई, और जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 14 महीने किसान सड़कों में बैठा रहा, माता पिता भाई बहन उनके इस संघर्ष में परिवार को छोड़ के चले गए, कितना अत्याचार आप बताइए। जो आवाज उठाता है उसकी आवाज कुचलने का काम होता है, आप बताइए। जितनी भी मीडिया है अगर कोई अच्छा सच दिखाती है तो ईडी का भय व्याप्त है, पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, बताइए। लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, और उससे बड़ा संविधान बचाने का काम है। हम लोग हाथ जोड़ के माननीय जी के वोट मांग रहे हैं, और 10 तारीख को 10 मार्च माननीय अखिलेश जी पूरी बहुमत से एक बड़ा जनादेश इस राज्य के अगेंस्ट माननीय अखिलेश जी को देगी। अब 10 मार्च को माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।